नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक और आज हमारे साथ हैं राज्यसभा टीवी के कला और संस्कृति डेस्क के पूर्व संपादक और गुफ्तगू कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सैयद मोहम्मद इरफान साहब। मुझे खुशी है कि आज मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूं जो खुद गुफ्तगू के उस्ताद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इरफान साहब। जी बहुत 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 आभार, बहुत शुक्रिया आपका जी धन्यवाद। जी तो गुफ्तगू की शुरुआत भी गुफ्तगू से ही करते हैं और जी मैं एक बार इसके शुरू होने की कहानी जानना चाहता हूँ कि गुफ्तगू की किस तरह से शुरुआत हुई इस कार्यक्रम की। और नहीं, देखिए आपको तो मालूम है कि ये जो कार्यक्रम चला अभी 2011 में तो ये चैनल बना था, राज्यसभा टीवी का जो अपर हाउस है, उच्च सदन है, उसका ये चैनल। पहले से एक चैनल मौजूद था जो लोकसभा टीवी था, लेकिन राज्यसभा टीवी एक थोड़े अलग योजना और एक तैयारी के साथ बनाया गया था, जिसको एक बिल्कुल एक आकर्षक चैनल बनाने की एक योजना के साथ कि वो संसद का एक प्रतिनिधि चैनल बनकर उभर कर सामने आए और उसको एक आकर्षक एंगेजिंग एक नॉलेज चैनल बनाया जाए, इंफॉर्मेशन एजुकेशन नॉलेज का एक चैनल। ऐसा चैनल जब बनाया जा रहा था तो मैंने सुना और उसकी स्थापना के वर्षों से ही जो लोग थे उसमें मैं भी था। जी और तब ये सोचा गया कि ये जो इंटरव्यू एक फॉर्मेट है, इंटरव्यू एक बहुत प्रचलित फॉर्मेट है जिसके जी जरिए आप अलग अलग विधाओं के लोगों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके साथ अगर एक एक विश्वासपूर्ण संबंध के साथ आप शुरू करें, आपका इरादा ठीक हो और आपका अप्रोच ठीक हो और कुल मिलाकर उसकी दृष्टि ये हो कि वो लोकतंत्र को मजबूत करने के इरादे से की जा रही कार्रवाई हो, बजाय इसके जी पीछे कोई कोई एजेंडा, कोई शॉर्ट टर्म, कोई दृष्टि ना हो करके एक एक संपूर्णता में अगर देखें जी तो नागरिक को कैसे समृद्ध किया जाए उसके अनुभव में, उसे प्रेरित किया जाए और जिन लोगों की सफलताओं और जिन लोगों की उपलब्धियों और उनके वैभव से अन्यथा वो आक्रांत रहता है, उसको एक ऐसे आदमी से मिलवाया जाए जो उसकी सफलता और उसकी जो प्रोजेक्टेड इमेज है उसके पीछे वो आदमी कौन है, उसकी यात्रा कैसी है। अब उसमें यह है कि प्रिडोमिनेंटली टेलीविजन ने हाल के वर्षों में ये एक कल्चर जैसा बना दिया, खासतौर पर इंटरव्यूइंग एक फॉर्म जी को लेकर, के उसको एक बहुत उपयोगिता मूलक विधा की तरफ वो बढ़ चला धीरे 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 करके। अधिकांश इंटरव्यू कुछ बहुत शॉर्ट टर्म एजेंडा के तहत होने लगे, तो जो एक लॉन्ग फॉर्मेट रिलैक्स्ड इंटरव्यू की जो शुरुआत कहिए या उसकी आदत कहिए, वो दर्शकों को डाली ही नहीं गई जी और उसमें साहस करने की जरूरत थी। और मुझे शुरू के ही इंटरव्यूज में ये पता चल गया, बल्कि मैं कहूंगा कि पहला इंटरव्यू, बेशक वो गुफ्तगू सीरीज का नहीं, वो जब मैंने शख्सियत शुरू किया था शख्सियत नाम से, जी शुक्र तो पहला इंटरव्यू जो राज्यसभा टीवी के लिए मैंने किया वो रब्बी शेरगिल के साथ किया, जी जो सिंगर म्यूजिशियन रब्बी शेरगिल हैं। और उनको जैसा कि अंदाजा होगा उस दिन उनके बच्चे का शायद जन्मदिन था, तो वो एक थोड़ा कैजुअली एक लाउजी सा टी शर्ट और एक ट्राउजर डाल के आ गए थे कि कुछ बाइट वाइट होगी, तो जी और उसी हिसाब से वो टाइम भी लेके आए थे। लेकिन उस बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि इंटरव्यू मैंने बहुत दिए हैं लेकिन बातचीत पहली बार हुई। और जैसे ही वो प्रोग्राम एयर पर गया और जिस तरह के फीडबैक आना शुरू हुए, उससे ये पता चल गया कि दर्शक कोई चीज ऐसी थी जिसे मिस कर रहे थे, जी यानी कि एक
ऐसा ऐसी बातचीत जिसमें एंकर जो साक्षात्कार करने वाला है वो अपनी बात थोपे नहीं, अपनी बात गेस्ट के मुंह में नहीं डाले, अपने मनचाहे जवाब निकलवाने के लिए कुछ मैनिपुलेट ना करे जी, मैनिपुलेट ना करे, जी फोर्सफुल और मतलब ना उसमें लीड ना जेस्टर्स का इस्तेमाल। करे जी तो जैसे जी ही दर्शकों ने ये देखा कि उनके मेहमान और उनके बीच में एंकर सिर्फ ये काम कर रहा है कि वो उसको बोलने दे रहा है, तो ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट आना शुरू हुए कि ये आ रहा है आपके प्रोग्राम की, बड़ी अच्छी बात है कि आप गेस्ट को बोलने देते हैं। और मैंने सोचा कि ये भी कोई कॉम्प्लीमेंट लेने की चीज है, मेरा तो ये काम काम है, ही मैं है अपने गेस्ट को लाया ही इसीलिए जी। कि वो बोल सके। तो ये एक मोटा मोटी बैकग्राउंड था, और उसके बाद फिर जो यात्रा है वो इरफान तो आप जानते हैं। साहब, जैसे 2011 में शुरुआत हुई गुफ्तगू की, और शायद ये जो सेलिब्रिटीज के साथ या कला जगत के लोगों के साथ जो बातचीत के टॉक शो का है, तो शायद अगर मैं गलत नहीं तो ये सबसे लंबा चलने वाला कार्यक्रम रहा है, क्योंकि जी अगर जी जी या फूल जी खिलते हैं, गुलशन गुलशन या रंडेवू, और ये कॉफी विद करण भी एक शो है, लेकिन मैं उसकी तुलना इससे नहीं करना चाहूंगा। तो कुछ अंदाजा होगा शायद 300 से ज्यादा एपिसोड जो हैं। लगभग हम 400 एपिसोड पहुंच जाते जो हमारे पास रिकॉर्डेड प्रोग्राम रखे हैं वो, और अगर बीच में ये लॉकडाउन में सारे मतलब जो पेंडेमिक की गाइडलाइंस में शूटिंग वगैरह जी नहीं बंद, तो हम लोग 400 एपिसोड पूरा करने की तरफ बढ़ रहे जी तो इरफान साहब, जैसे अभी राज्यसभा टीवी के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया गया है, तो क्या हम माने कि गुफ्तगू कार्यक्रम बंद? हैं। पीछे के जो उदाहरण बताते हैं मतलब पहले जी जो हो चुका है कि प्रायः देखा गया है कि जब कार्यक्रमों के एंकर किसी कारणवश चले जाते हैं तो वो शो बंद हो जाते हैं। करंट अफेयर्स प्रोग्रामों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जिसको कोई जी पर्टिकुलर एंकर करता भी नहीं है, करंट अफेयर्स जी प्रोग्राम रोटेशन पर आज इस एंकर ने किया कल उस एंकर ने किया, जी तो वो एक अलग चीज़ है। और उसमें अपवाद भी होंगे कि एंकर बदल गए और शो चलता रहा, अपवाद भी होंगे मैं कहता हूँ, लेकिन अभी तक तो आपका अनुभव यही कहता है कि जब एंकर प्रोड्यूसर चेंज हो जाते हैं तो वो शो डिसकंटिन्यू ही हो जाते हैं। जी तो जो 11 मई 2020 को आपकी YouTube प्लेलिस्ट में सुब्रत दत्ता के साथ आखिरी एपिसोड था, हम मान ले वही आखिरी एपिसोड है, या कुछ और एपिसोड हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं और बाद में प्रसारित किए जाएंगे या अपलोड किए जाएंगे? नहीं, मैं मेरी इच्छा तो थी, बल्कि जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ या मतलब रिन्यू नहीं हुआ जी उस दिन भी मैं नए एपिसोड की प्रिपरेशन में ही लगा हुआ था कि उसकी स्क्रिप्ट बना दी जाए और उसके लिए जो एलिमेंट्स इकट्ठा कर दिए जाएं और उसको एडिट के में ले जाया जाए, और सब सहमति थी कि हम लोग कल से उसकी एडिटिंग करेंगे। तो ऐसे जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम रखे हैं वो तो रखे हैं, अभी वो राज्यसभा टीवी की संपत्ति है, वो जो भी चाहेंगे करेंगे। इरफान साहब, डॉक्यूमेंटेशन और आर्काइवल के इस काम में आपकी गहरी रुचि है, मैं आपसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल जानना चाहता हूँ कि ये आर्काइवल और डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है? ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाली बात आपने कही है उसको मैं एक आपको उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर, क्योंकि आपको थिएटर से जुड़े रहे हैं और उसको नज़दीक से आपने देखा है, अगर सिर्फ थिएटर का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि अगर कोई नाटक चल रहा हो मंच पर और उसमें कई अभिनेता हों, तो जो अभिनेता बीच में आएगा उसको ये मालूम होना चाहिए कि नाटक में अभी तक क्या हो चुका है। हम अपनी अनेक ऐसी स्मृतियों को, अनेक ऐसी कलाओं को, अनेक ऐसे हस्तकौशल और शिल्प को हम गैर जरूरी मानकर छोड़ते आए हैं, जिससे हम अपना बहुत नुकसान करते हैं, और ये हमको बाद में पता चलता है जब बहुत समय गुजर जाता है, जब हम अपनी ही चीजों को खो देते हैं, तब हमको लगता है कि हमने क्या चीज खो दी। तो
आपके इर्द गिर्द जो जो बाजार का उपभोक्तावाद का जो जो एक लगातार दबाव और हमला बनता रहता है, उसका जवाब आप विविधता के इस पूरे स्पेक्ट्रम से ही दे सकते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि आप अपने ही समाज के कितने विविध भौगोलिक और सांस्कृतिक और बोलियों वाले और खान पान वाले देश में अगर इसकी विविधता को आप नहीं बचाएंगे तो आपके पास जो कंज्यूमरिज्म का थोपा हुआ हुई जो संस्कृति है, आप उसके अंधेरे में दबते चले जाएंगे। और दूसरी तरफ ये जो पूरा सोशल मीडिया और ये जो जो तंत्र आपके इर्द गिर्द विकसित हो रहा है, जो एक खास तरह की स्मृति के लोप की वकालत करता है कि आपकी पिछली सारी स्मृतियों को मिटाकर एक नई स्मृति, एक नया नरेटिव आपके सामने पेश किया जाए, जिसमें आप भूल ही जाएं कि कभी आप मिलजुल कर रहते थे, कभी आप अपने खेत, अपने देश, अपने लोगों, उनके बोली, उनकी भाषा, वो विविधता को धीरे धीरे, और वो हर क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में वो विविधता मौजूद है, और वही उसकी सुंदरता है, वही उसकी शक्ति है, और वही आपका ये जो प्रतिकूलताएं हैं उनसे लड़ने के लिए आपको इक्विप करती है। इरफान साहब, आप विविधता पे ना काफी जोर दे रहे हैं, जो एक तरह से हिंदुस्तान की लाइफ लाइन भी है, एक बहुत ही खूबसूरत बात भी हमारे देश की। लेकिन अभी इस तरह की भी जो चीजें पिछले दिनों घटित हो रही हैं कि विविधता को कई बार विविधता को ही जो चीज जोड़ती है, जो खूबसूरती है, वही एक तरह से एक परायेपन की तरह से देखी जाती है, और विविधता ही बहुत सारी परेशानी, एक अशांति, एक टेंशन का सबब हमारे देश में वो बन रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? अब ये चूंकि ये एरिया मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ज़्यादा विश्वास से कहने वाला एरिया नहीं है, ना तो मेरे पास इसको सूत्रबद्ध करने के पर्याप्त शब्द हैं। मैं अपने अनुभव से ही कह सकता हूँ जी कि मतलब लगातार एक पिछड़ेपन का शिकार जो देश है उसमें लोगों को बुनियादी जानकारियों तक से वंचित रखा गया है, और उनके अज्ञान और उनके इस इग्नोरेंस के आधार पर ही ये उनके उनके शोषण का, अगर शब्द के रूप में इस्तेमाल करें, तो वो एक सिलसिला चलता रहता है। तो जो जो उनके इस अज्ञान और भोलेपन का लाभ उठाते हैं, उनके लिए ये ही ठीक है, ठीक रहा आया है कि वो उनको शिक्षा के, रोजगार के वो उचित अवसर ना दें, जिससे कि वो अपना अधिकांश समय सर्वाइवल की जो छोटी छोटी कोशिशें हैं उसी में ही उलझे रहें, और उससे निकलकर अपने जीवन को खुशहाल न देख सके। तो इसके लिए ये जरूरी होता है उनके लिए जो उनकी खुशहाली के दुश्मन है, क्योंकि एक आदमी की खुशहाली तो दूसरी की बदहाली पर ही संभव है। तो ये देखा गया कि शिक्षा का भी स्वरूप एक जी बहुत विशिष्ट प्रिविलेज्ड लोगों के हित में ही हो रहा है, और उसमें कोई बदलाव तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे जैसे समाज में अनरेस्ट बढ़ेगा तो उसमें जरूरी होगा उनके लिए जो आपके आपके संगठित होने और आपके प्रतिरोध को कमजोर करने के लिए इस विविधता को कमजोर करके एक खास तरह की एकाधिकारवादी एक तरफा सोच और एक तरफा विचार को आगे बढ़ाएं। जो अलग अलग प्रसारण माध्यम है जो हिंदुस्तान में, चाहे वो प्रिंट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, टीवी, ये सब, तो आप क्या मानते हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेके,
या जो आर्काइवल इस काम को लेके, उसमें कितना कितनी जगह मिल पाती है, वो कितने सतर्क हैं? अगर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स की बात कीजिए तो उनमें भी अब इस बात का कि ऑडिट की जरूरत है कि उनके यहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन का क्या मौजूदा हाल है। मतलब जी अगर पिछले 70-80 सक्रिय वर्षों को गिन लें, जिनमें सिनेमा भी बहुत वाइब्रेंट था, मतलब सिनेमा फॉर्मेट, फिल्म फॉर्मेट, इसके अलावा टेलीविजन और मतलब और संस्था के रूप में अगर फिल्म डिवीजन देख लीजिए, या जो सांस्कृतिक स्रोत केंद्र देख लीजिए, या तमाम दूसरे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जो जो अनुदान पर चलती हैं, उन सब में डॉक्यूमेंटेशन की जो दशा है, इसके ऑडिट होने की जरूरत है। मेरा जो निजी अनुभव जी कहता है कि डॉक्यूमेंट हो गया कहने से क्या वो हो गया, यानी कि टेप के ऊपर तो लिख दिया गया कि इसके अंदर ये कार्यक्रम है, लेकिन उस कार्यक्रम में जो लाइटिंग थी, जो साउंड था, या स्टार्ट टू एंड अगर बीच में कैमरा का फ्रेम चेंज हुआ तो उसमें क्या कोई जर्क आया, इसका ऑडिट, और वो तभी होगा जब आपको किया हुआ काम आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले जो काम हुआ है वो आपके पास देखने का कोई तरीका है क्या? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। जो न्यूज एजेंसियां हैं, खासतौर पर विदेशी न्यूज एजेंसियां, बीबीसी या रॉयटर्स या और जो दूसरी एजेंसियां हैं, उनमें आप उनके वेब पोर्टल्स पे चले जाइए, अब तो यूट्यूब की वजह से भी आप वहां देख सकते हैं कि मतलब अगर 30 सेकेंड का भी कोई शॉट है, एक पुराना रेलवे स्टेशन जो थोड़े साल बाद हटा दिया जाएगा और वहां कोई शहर बसा दिया जाएगा, उसका भी एक शॉट आपको मिलेगा कि वो पहले देखने में कैसा लगता था। यहाँ पूरी की पूरी बसावट चेंज हो जाती है, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, और आपके पास देखने के लिए वो दृश्य एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेस नहीं है उसका आपके पास। अगर कोई बहुत एक्सक्लूसिव किसी पर्पस से आप उसे ढूंढने चलें तो शायद मिल जाए, लेकिन और वो भी मिल जाए तो कैसा मिले ये भी कहना मुश्किल है। ये बात मैं एक और डिजिटाइजेशन के एक दूसरी आर्काइविंग प्रोजेक्ट में काम करते हुए मैं देख चुका हूँ कि जितना ज्यादा निजी स्तर पर ये चीजें संरक्षित और सुरक्षित रखी गई हैं, उतनी जिन लोगों और संस्थाओं की ये जिम्मेदारी थी वहाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि क्या वो वहाँ हो पाया कि नहीं हो पाया। इसलिए ये काम आज भी उस जरूरी संवेदनशीलता की मांग करता है, मैं कहूंगा कि ऑडिट की मांग करता है, कि उस पर जितना हर साल बजट खर्च किया जा रहा है उसके बदले में वो हमारे आपके जीवन में कितना एक्सेस करने, भले वो लो रेजोल्यूशन में ही से हम कभी देख तो सकें। हम सुनते हैं कि भाई संसद भवन के सामने से कभी डीटीसी की बसें गुजरती थी, क्या आप हमको यूट्यूब पर या किसी फोरम पर कोई तरीका है जो आप हमको बता सकते हैं कि पुरानी दिल्ली में जो ट्राम गुजरती थी वो कैसी लगती है? मैं छोटे छोटे कुछ उदाहरणों से ही आपको ये बात कहना चाहता हूँ, मतलब आगे चलते जाएं और पीछे से अपने कदमों के निशान मिटाते जाएं। तो इस चक्कर में बोलियां, भाषाएं, खान पान, पहनावे, व्यवहार के तरीके, वो सब कुछ आप अपने पीछे से मिटाते जा रहे हैं। तो ये जो सवाल जहाँ से आपने शुरू किया था कि जो दूसरे प्रसारण संस्थान हैं वो क्यों नहीं इस काम को करते, मैं समझता हूँ उनकी कोई गलती नहीं है, अगर करें तो वो अपने, ये उनका अपना कॉल है, उससे वो खुद लाभान्वित होंगे, लेकिन ये काम मेरे हिसाब से, मैं मतलब मैं मानता हूँ कि प्राइमरली ये काम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स और जनता के धन पर चलने वाली संस्थाओं और एजेंसियों का है जो इसके लिए डेजिग्नेट और डेडिकेट की गई है। इरफान साहब, अभी आर्थिक मंदी चल रही है, बहुत सारे लोगों की इस दौरान नौकरियां गई हैं, और राज्यसभा टीवी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया है।
एक तरफ तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस दौरान किसी को नौकरी से ना हटाया जाए, दूसरी तरफ उनकी नाक के नीचे ही राज्यसभा टीवी में छटनी हो गई। अकेले आप ही नहीं हैं, बल्कि आपके साथ और भी बहुत सारे लोगों को राज्यसभा टीवी से हटाया गया है। तो क्या ये नहीं कह सकते कि दीपक तले अंधेरा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, यही कहना होगा, यही कहना होगा कि जिन संस्थाओं में कानून बनते हैं वो खुद अपने अपने ही संगठनों में ट्रांसपेरेंसी का वहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। कर्मचारी लगातार असुरक्षित रखे जाते हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है, वो ज़्यादा रचनात्मक नहीं हो पाते और वो लगातार स्ट्रेस में और अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं। तो दीपक तले अंधेरा वाली बात तो ठीक है आपने। जी, तो अभी भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं इरफान साहब? मैं तो यही सोचता हूँ कि एक एक प्लेटफॉर्म पर एक यात्रा यहाँ तक पहुंची, अब थोड़ी किसी और ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पर अगर अगर किसी को ये लगता है, किसी संस्था को या किसी चैनल को, तो हम लोग, क्योंकि देखिए किसी चीज को बना लेना वो तो मैं कर लूंगा, जी लेकिन डिसेमिनेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा जी प्रश्न है कि जबकि बहुत सारी जो स्पेस है वो या तो कॉरपोरेट कैपिटल के पास है या फिर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के पास है, तो ऐसे में एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचने का जो एक मंच है, मैं तो उसके इंतजार में हूँ कि ऐसा कोई मंच हो जिस पर हम अपने शो को उसी तरह से, उसी फ्रीडम, उसी ऑटोनमी के साथ, उसी ईज के साथ हम सिर्फ मंच बदल जाए और दर्शकों का वही जो अनुभव है वो एक तरह से कंटिन्यू हो जाए। देखिए यूट्यूब वगैरह पे करने के अपने आज की तारीख में, खासतौर पर जब अभी हाल ही में यूट्यूब की अपनी शर्तें और जो गाइडलाइंस में बदलाव आया है, तो उसमें आपको मन का सुख जरूर हो सकता है कि आप पहुंच रहे हैं वाइडर ऑडियंस तक, लेकिन उसको एक अच्छा और उतना ही उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रोड्यूस किया गया एक स्लीक शो, उसके लिए जो जरूरी जी जरूरी लॉजिस्टिक है वो एक व्यक्ति के लिए या व्यक्ति के साथ किसी अमेचरिश टीम के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक के साथ एक शो को यूट्यूब पर लगातार चलाए और उसके लिए जो जरूरी व्यूज और हिट्स और सब्सक्राइबर्स की जी संख्या बिना किसी मैकेनिज्म के, तो मुझे तो दिखाई नहीं देती। हालांकि मैं दर्शकों की इच्छा का सम्मान करता हूँ कि वो ये चाहते हैं कि ये शो यूट्यूब के जरिए उन तक पहुँचे, मैं तो ऐसे सहयोगियों और ऐसे मंच की उम्मीद जरूर रखता हूँ कि जिस पर इस शो की कंटिन्यूटी बनाई रखी जा सके। तो इरफान साहब, इन शुभकामनाओं के साथ कि गुफ्तगू का ये सिलसिला फिर शुरू होगा और किसी बड़े मंच पर हम आपको चिरपरिचित अंदाज में फिर से देख पाएंगे, सुन पाएंगे। आपने हमें वक्त दिया और हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।